हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम चेतना एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक चीपेस्ट मेकअप की वीडियो जो कि मैंने मीशो ऐप से ऑर्डर किया है। एक मेकअप किट जो कि अंडर 200 में मुझे मिल गई है, तो आज मैं उसी का रिव्यू दूंगी कि क्या ये इतना चीप मेकअप हमारी स्किन के लिए अच्छा है, क्या ये वर्दी है और नहीं। तो आज की वीडियो फिर हम स्टार्ट करते हैं और मैं इसी पे रिव्यू दूंगी कि ये जो प्रोडक्ट है यू शुड बाय इट और नॉट। तो चलते हैं फिर आज की वीडियो में। तो जो मुझे प्रोडक्ट मिले हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट मुझे मिले हैं। आफ्टर इट आई विल यूज डेट प्रोडक्ट ऑन माई स्किन और फिर मैं उसका रिव्यू दूंगी कि वो प्रोडक्ट अच्छे है या फिर नहीं। तो द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव गॉट, ये पूरी किट थी, ये बॉक्स था और बॉक्स में ही सारे के सारे प्रोडक्ट थे। सो द फर्स्ट ये मुझे मिला है प्राइमर, जिसपे लिखा हुआ है प्राइमर मैट प्रो लेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन। और जो मेरी स्किन है वो ड्राई स्किन है, बट ये ड्राई का नहीं है, बट नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो ये चल जाएगा। तो ये मुझे प्राइमर मिला है। और सेकेंड प्रोडक्ट, यस, दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। और इसकी पैकेजिंग तो बिल्कुल भी, ये बिल्कुल फेक वाली पैकेजिंग है। जो मेबलिन फिट मी का जो रियल फाउंडेशन है, जो उसकी किट है, वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ ही पता लग रहा है कि ये बहुत चीप और बहुत मतलब फेक ही वाला है, ये रियल नहीं है, रियल प्रोडक्ट ये नहीं है। और इसका जो शेड है वो 120 शेड आपको मिल जाएगा और इस पर लिखा हुआ है मेबलिन फिट मी मैट पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन। और ये भी नॉर्मल टू ऑयली स्किन को सूट करता है। तो ये दो प्रोडक्ट मुझे अभी मिले, ये प्राइमर और ये फाउंडेशन। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है दिस हुड्डा ब्यूटी कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसे मतलब मेकअप को सेट करने के लिए हम फिर लूज पाउडर का यूज़ करते हैं ना, वही। बट ये कॉम्पैक्ट है, यहाँ पर आपको ये स्पॉन्ज मिल जाएगा और ये देख सकते हो आप। और ये ना ऐसा ऐसा लग रहा है जिसे ये यूज़ किया हो, बट आई डोंट नो अबाउट इट। आप देख सकते हो, तो हम देखेंगे आगे कि ये कैसा है। और यहाँ पर ये बहुत सारे मतलब लिखा हुआ है, हुड्डा ब्यूटी SPF 15 कंसीलर लाइट ब्राइटनिंग BB पाउडर कॉम्पैक्ट। लिखा तो इस पे ऐसे है कि जैसे बहुत ही अच्छा हो, तो देखते हैं फिर ये जो भी लिखा हुआ है क्या ये सही में लिखा हुआ है या मतलब ऐसी है। और फिर मुझे मिला है ये हुडा ब्यूटी द मैट फिक्सर फेस स्प्रे। एट लास्ट जब हम मेकअप के बाद जब हम अपना स्प्रे यूज़ करते हैं मेकअप को सेट करने के लिए, और ये मिला हुआ है हमें। और ये हुडा ब्यूटी का है ये भी, और इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखी हुई है 2024। ठीक है, तो हम इन सभी प्रोडक्ट का यूज़ करके देखेंगे क्या ये प्रोडक्ट कैसे स्किन पे सूट करते इतने कम प्राइस में। बहुत चीप प्राइस है और इतने कम प्राइस में क्या ये अच्छे है या नहीं। फिर मैं अब मेकअप करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यूज करने से पहले मैं अपने बाल को क्लिप कर लेती हूँ। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्राइमर, यस। और मैंने इतना चीप प्राइमर अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस प्राइमर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं और कुछ आफ्टर प्राइमर दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, जिसका शेड 120 है, जो कि मेरे शेड से बिल्कुल भी मैच ही नहीं है कोई। तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ, लगा लेती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ।
और लगा लेते हैं, और गुरु होते हैं। इसे अब कैसे करूँ? ब्लेंडर यस। हे इसमें मेरे बाल आ रहे हैं। ये ब्लेंडर है मेरे पास, मैं जैसे जैसे जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि ना ये प्रोडक्ट ना सूख रहा है, और अगर ये सूख गया तो फिर ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैंने ये ब्लेंड कर लिया है, और ये कहीं कहीं ना पैचेस बन गया है, और ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, बहुत ज़्यादा, और पैचेस बन गया कहीं कहीं यहाँ यहाँ, और ये मेरी स्किन से मतलब शेड तो बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मेरी स्किन पे सूट भी नहीं हो रहा, और ये बिल्कुल भी बेकार ही है। मतलब ये इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कुछ है या नहीं, बस ऐसा लग रहा है कुछ वाइट वाइट, जैसे पाउडर को उसमें पाउडर में पानी वानी डाल के अगर आप घोलोगे ना तो फिर वो ऐसा ऐसा ही है ये। फिर अब ये मुझे इतना मोटा सा ये मिला स्पॉन्ज, और ये जो कि इस पर मैं इसे रगड़ चुकी हूँ, आवाज़ सुन सकते हो आप, लेकिन इसे मैं जितना भी रगड़ लूँगी इस पर कुछ भी नहीं आ रहा। ये इसे क्या होगा इसे कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, स्टिल अब हमने वीडियो बनाई है तो यूज़ तो करना पड़ेगा। और ये मेरी स्किन को पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। ये मेरी फ्लिप्स आगे आ रही है, इसको अंदर क्या था लेकिन ये फिर भी बाहर ही आ गई। और मैं बिल्कुल गोरी हो गई हूँ, आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है मैंने आटा लगा लिया। सही में लग रहा है यार। कॉम्पैक्ट का भी यूज कर लिया, आप देख सकते हो, ये मैंने कॉम्पैक्ट का भी यूज कर लिया। लड़की तो बहुत प्यारी बनी हुई है इस पर, है ना। प्रोडक्ट वेस्ट है। तो अब लास्ट प्रोडक्ट विच आई हैव, इसकी पैकेजिंग देख के तो लग रहा है कि हाँ कुछ है, बट अंदर देखते हैं। देख लिया वैसे मैंने तो, आप हंसोगे। क्या है ये? इस पर इतना कोई मतलब ऐसे लेबल भी नहीं लगा हुआ, लेबलिंग भी नहीं की इसकी कि कुछ पता लगे कि क्या ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या ये, आप ही बताना क्या लग रहा है ये आपको। ये पूरा ब्लैक कलर का ये, तो चलो इसको यूज़ करते हैं। पता नहीं क्या होगा, ऐसा लग रहा है मैंने पानी मेकअप किया पहले और उसके ऊपर से पानी कर लिया। सही में आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है पूरा पानी दिख रहा है आपका, बिल्कुल वाटर है ये, पानी पानी लग रहा है, यहाँ से बह भी रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टॉवल लेना पड़ेगा और इसे डैब डैब करना पड़ेगा सुखाने के लिए, क्योंकि पूरा ऐसा लग रहा है मैंने पूरा पानी मेरे बाल भी यहाँ से। मेकअप तो मेरे सारा हाथ पे ही आ रहा है। सो द कंक्लूजन ये हुआ कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ मनी है, आप इसे बिल्कुल भी मत खरीदना। और मैं ये भी कहूँगी कि ये जो, चलो ये तो 200 के अंडर में था, बट जो महंगे प्रोडक्ट है ना 500 अंडर में, वो भी बेकार ही है, और मैं उनका रिव्यू भी जल्दी करूँगी। हाँ, ये अब जाके कुछ सूखा है, अब जाके कुछ सूखा है, वरना पूरा गीला हो गया था, मेरा कुछ लग ही नहीं रहा, मैंने मेकअप किया कुछ भी नहीं लग रहा। तो हम क्लिप हटा देते हैं, क्योंकि हमने इतना अच्छा मेकअप कर लिया, इससे अच्छा हम पहले थे। सो हियर इज द फाइनल लुक, और फाइनल लुक क्या, कुछ भी नहीं है।
ठीक है, जैसी मैं पहले थी मैं वैसे ही लग रही हूँ। हाँ, बीच में मैं गोरी लगने लग गई थी बिल्कुल, बट ये थी आज की वीडियो और जो कंक्लूजन है इस वीडियो का, और मैं जो रिव्यू दे रही हूँ प्रोडक्ट के वो बिल्कुल ही बेकार है। बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा लग रहा था आटा आटा मुंह पे लगा लिया और कुछ भी नहीं। और जो ये निकला है ये तो पता नहीं क्या है, तो इसमें पता नहीं लग रहा, इसमें कभी कभी हैंड सैनिटाइजर जैसी फ्रेग्रेंस भी आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे मेकअप प्रोडक्ट बिल्कुल भी परचेज ना करो, और अगर आपको अच्छे से करना है मतलब, तो पहले आप रिव्यू देखो और फिर आप परचेज करना, बट आप ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी परचेज मत करना। और ये मैंने रिव्यू के लिए ही मंगाया था कि इतने कम प्राइस में मेकअप, वो भी चार चार प्रोडक्ट, यस, तो इसलिए मैंने फिर मंगाया था। मैंने कहा चलो हम ट्राई भी करके देखेंगे, तो ये टोटली बेकार ही था, इसमें कुछ भी नहीं था, तो आप इसे मत खरीदना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।